नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक विधि में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और नई सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। जब भी आपके घर में कोई सब्जी ना हो या फिर कुछ समझ में ना आए क्या बनाए, तो आप इस सब्जी को झट से बनाकर खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना एकदम आसान है। तो मैं यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के कच्चे पपीता ले रही हूँ। अब एक पपीता लेंगे और इसके दोनों साइड को इस तरह से काट कर हटा देंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे और पपीता को पानी में डाल देंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दूध निकलता है और ये ताज़ा पपीता है। तो दोनों ही पपीता को इसी तरह से काट कर पानी में डाल देंगे। अब एक पपीता लेंगे और इसको बढ़िया से इस तरह से छीलेंगे। तो इसको बढ़िया से इस तरह से टाइटली छीलेंगे, क्योंकि पपीता बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों ही पपीता को बढ़िया से छील लिए हैं। अब एक पपीता लेंगे और इसको बराबर से इस तरह से बीच में काटेंगे। तो इसको दबाते हुए इस तरह से काटेंगे। अब सभी बड़े टुकड़े को काट कर छोटा कर लेंगे। तो इसको पतला पतला इस तरह से लंबा लंबा कट करेंगे। तो सभी टुकड़े को इसी तरह से काट कर छोटा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी पपीते को काट कर रख लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसका बीज साफ कर लेते हैं। अब एक टुकड़ा लेंगे और इसको बढ़िया से इस तरह से छीलेंगे। तो सभी टुकड़ों को इसी तरह से बढ़िया से छील कर साफ कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी आसानी से साफ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी टुकड़ों को बढ़िया से साफ कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको फटाफट से काट लेते हैं। अब इस तरह से एक टुकड़ा लेंगे और इसको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो इस सभी को बढ़िया से इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे। तो इसे काटने में भी बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत ही जल्दी कट जाता है। तो सभी को इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पपीते को काट कर छोटा कर लिए हैं। अब इसको उठा कर किसी प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए अब फटाफट से आगे की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो टमाटर। अब टमाटर को भी इस तरह से चार टुकड़ा में कट करेंगे। अब साथ ही में लेंगे एक प्याज। तो मैं प्याज को पहले ही छील कर धो लिए थे। अब प्याज को भी इसी तरह से मोटा मोटा कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर और पपीते को काट कर रख लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ तैयार है। तो चलिए चलती हूँ चूल्हे की तरफ। तो मैं यहाँ पर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 5-6 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा। जीरा और लाल मिर्च को हल्का पकाने के बाद इसमें टमाटर और प्याज डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद इसमें पपीता डाल देंगे। तो हमें प्याज और टमाटर को पकाना नहीं है, क्योंकि ये पपीता के साथ ही पक जाएगा। अब इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। अब इसको ढक देंगे। इसे ढक कर 7 मिनट तक पकाएंगे और इसका बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहेंगे। तो इस तरह से इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको चलाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ढक कर 7 मिनट तक पकाएंगे। तो फाइनली हमारा 7 मिनट हो गया। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको चलाएंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी हो गया है, क्योंकि हमने पपीता को ढक कर पका रहे थे। अब इसको 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो देखिए, पपीता अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे नमक। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे बाकी का बचा हुआ मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब मसाला को बढ़िया से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो मसाला जल जाएगा और ये खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो हमने मसाला को 3 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि पपीता भी थोड़ा कच्चा था तो वो भी बढ़िया से पक जाएगा। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, सब्जी एकदम बढ़िया से उबल गया है और इसमें ग्रेवी भी बहुत ही कम बचा है। अब गैस को बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसका ग्रेवी पूरा भी सुखा सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद हो। तो चलिए, मैं आप लोगों को पपीता भी चेक करके दिखाती हूँ। अब इसको चम्मच से इस तरह से दबाएंगे। तो देखिए, ये एकदम बढ़िया से पक गया है। तो लीजिए, आज का हमारा स्वादिष्ट पपीता का सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसे
प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ, ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसको रोटी, चावल, पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सभी भी एक बार मेरे तरीक़ा से पपीता का सब्ज़ी बना करके ज़रूर खाना।